इन दिनों हिमाचल प्रदेश की हाल बेहाल है। कई जगहों पर तेज बारिश और बाढ़ के चलते कई लोगों की जान गई है, तो वहीं कई लोग बेघर हुए। ऐसे में अब जाने माने टीवी स्टार राकेश बेदी ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो भी हिमाचल की बाढ़ में फंस गए थे और मरते मरते बचे हैं। एक्टर राकेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इंस्टाग्राम पर एक्टर राकेश ने खुलासा किया है कि वो कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड में फंस गए थे और उनकी जान जाते जाते बची। इस वीडियो में आगे उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। हाय गाइस एंड वेलकम टू हाय चाय विद राकेश बेदी। दोस्तों देख रहे हैं आजकल शिमला में उत्तराखंड में क्या हो रहा है, जबरदस्त लैंडस्लाइड हो रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े पहाड़ गिर रहे हैं कि सड़कें भी खा गए पहाड़ और रास्ते भी खा गए और सब कुछ गाड़ियां वाड़ियां सब दब गई। दो हफ्ते पहले मैं सोलन गया था, हिमाचल में सोलन, एक्टिंग का लेक्चर लेने के लिए। जब वहां से निकल रहा था तो मालूम ये पड़ा कि जो मेन हाईवे वो बंद हो गया है। तो किसी ने कहा एक छोटा रास्ता है वहां से चले जाओ। जब छोटे रास्ते से गया तो वहां पर भी लैंडस्लाइड हो गया और इतना बड़ा एक बोल्डर, पत्थर, इतना बड़ा बोल्डर मेरी गाड़ी के सामने आकर गिरा। शुक्र है मेरे ऊपर, गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा, वरना मैं तो गया था। तो जब मैंने उसको बोल्डर को हटाने की कोशिश की, हीमैन बनने की कोशिश की मैंने, जब हटाने की कोशिश की तो पत्थर जरा सा आगे तो गया लेकिन बाद में वापस आ गया। जब वापस आया तो मेरी उंगली उसके नीचे आ गई और मेरी उंगली कट गई। ये बहुत बुरी तरह कट गई थी, अब तो हील हो गई है, और ये आधी लटक गई थी, मतलब थोड़ी सी और अगर कटती तो उंगली अलग हो जाती। तो मैं वहां खड़ा रहा बहुत देर तक। बाद में जेसीबी मशीन आई और उसने सड़क को नॉर्मल किया, लेवल किया, तो मैं वहां से निकला। लेकिन जो लोग वहां फंसे हुए हैं अब तक, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सेफ हों और जल्द से जल्द वहां से निकलें।